अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जो आपकी लेक्चर्स ऑनलाइन जा रहे हैं उनकी तैयारी साथ साथ कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो इंग्लिश का है वो लेक्चर नंबर 7 है। तो जी बच्चों, इसमें हमने अपनी जो पहले सबसे पहले मुल्ला सन का ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 से शुरू किया था यूनिट, जो कि आज हमारा जो लास्ट लेक्चर जो हमारा 6th लेक्चर था उसमें कम्प्लीट हो गया। अब हम शुरू करेंगे आज अपना ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्डबुक 2 पर अपना यूनिट नंबर जो हमारा आज है मुल्ला सन का, ठीक है, उसका काम हम इस पर अपना आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आपने अपने ध्यान से इसको काम को देखना है मेरे साथ साथ। सबसे पहले हम जो करते हैं, हम अपनी जो डेट है उस पर उसको मार्क करते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी डेट जो है उस पर अपनी बुक पर मार्क करेंगे। So we will mark our date on page number 19, okay, 14 September 2020. Our unit name is The Mullah's Son, Part A, The Apostrophe. ये हम पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ apostrophe क्या होता है। ठीक है, तो अब हम जब ये एक्सरसाइज उधर से भी हमने की थी, जब हम यहाँ पर करेंगे तो फिर ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। apostrophe क्या होता है? जब हम किसी इंसान की मलकियत को जाहिर करते हैं, यानी जो चीज़ उसकी हो वो शो करते हैं, तो वो उधर apostrophe को यूज़ करते हैं। पार्ट ए 1 आ रहा है, एड apostrophes टू द फॉलोइंग। ए पे आ रहा है रफीक्स बेड वॉज इन हिज रूम। रफीक्स बेड यानी रफीक का कमरा, तो हम यहाँ पे apostrophe लगा देंगे। अब नेक्स्ट पे आ रहा है रफीक डिड नॉट लाइक हिज मदर्स वर्ड्स, तो कहाँ पे apostrophe यूज होगा? यस, मदर्स वर्ड्स, तो आपने यहाँ पर खुद ही लगा देना है। ठीक है, सी मुल्लाज आइडिया वॉज अ गुड वन। मुल्लाज आइडिया यानी मुल्ला का ख्याल, तो मुल्लाज कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर मुल्लाज के आगे ए के आगे apostrophe आ जाएगा, या अब आप खुद लगाएंगे। ठीक है, चेंज द अंडरलाइन वर्ड्स फॉलो द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या आ रही है? द हेड ऑफ द बॉय वॉज स्मॉल, के जो लड़के का सर है वो छोटा था। इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? द बॉयज हेड वॉज स्मॉल। ये हम जिस तरह पहले अपनी एक्सरसाइज कर चुके हैं, ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। इसमें भी हमने अंडरलाइन वर्ड्स को चेंज करना है। जैसे अब आपका ए आ गया पहला, इसमें आ रहा है अंडरलाइन वर्ड क्या है? द टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन आर ऑन द फ्लोर। टॉयज ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, ये अंडरलाइन वर्ड है, इसको हमने कैसे चेंज करना है? हम यहां पर राइट करेंगे द चिल्ड्रंस टॉयज। ठीक है, ये बच्चों के खिलौने हमने शो करना है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म कर देंगे चिल्ड्रंस टॉयज। शॉर्ट फॉर्म में आर ऑन द फ्लोर। ठीक है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में हो गया। अंडरलाइन वर्ड को हमने चेंज किया, लेकिन खाली अंडरलाइन वर्ड चेंज नहीं करना, इसको हमने सेंटेंस को अगेन पूरा राइट करना है। ठीक है, द चिल्ड्रन टॉयज आर ऑन द फ्लोर। इसी तरह बी वाला, द लेग ऑफ द एलिफेंट इज ब्रोकन, तो लेग ऑफ द एलिफेंट का क्या होगा? जी हाँ जी, एलिफेंट्स लेग। ठीक है, तो आपने इस सेंटेंस को इसी तरह नीचे पूरा लिख देना है, द एलिफेंट्स लेग इज ब्रोकन। नाउ अब हमने नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, पेज नंबर 20। इसमें जो आपका सी वाला आ रहा है, द हेयर ऑफ वन डॉल इज शॉर्ट, द हेयर ऑफ द अदर डॉल इज लॉन्ग। एक सेंटेंस में दो वाले जो हैं वर्ड अंडरलाइन है। ठीक है, अब हमने इसको ध्यान से करना है, इसको हम कैसे करेंगे? वन डॉल्स हेयर इज शॉर्ट। ठीक है, इसी तरह आगे फिर हम ये लगा के कॉमा, तो उसके बाद लिखेंगे अदर डॉल्स हेयर इज लॉन्ग। ठीक है, इसी तरह ये सेंटेंस आपका नीचे आ जाएगा। डी पे है वेयर हैव द व्हील्स ऑफ द ट्रेन गॉन, तो अंडरलाइन वर्ड है व्हील्स ऑफ द ट्रेन, सो हम लिखेंगे वेयर हैव द ट्रेन्स व्हील गॉन। ये पूरा सेंटेंस नीचे आएगा, जो हम चेंज करेंगे उसको भी दोबारा नीचे लिखेंगे। उसके बाद लास्ट पे है द मैथ्स बुक ऑफ ताहिर इज अंडर द बेड। ठीक है, यानी ताहिर की मैथ की बुक बेड के नीचे है, तो हम इसका लिख देंगे ताहिर
मैथ्स बुक इज अंडर द बेड. चेंज करके हम साथ ही इसको नीचे पूरा सेंटेंस राइट करेंगे. अब इसका बी पार्ट आ रहा है फ्रैक्शंस एंड टाइम, या हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट आ रहा है. पहले हम देखेंगे इसमें इन्होंने हमें क्या समझाया है. पहला आ रहा है टॉक अबाउट द पिक्चर्स. इन्होंने कहा पिक्चर्स के बारे में आपने बात करनी है जी. फर्स्ट ये जो वन है यानी कि पूरी पिक्चर में कलर है, तो इसका ये मतलब है कि ये होल है. वन होल यानी एक पूरी पिक्चर, ठीक है. अब ये आ रही है अगर वन के हम हाफ कर दें, इस पूरी पिक्चर को हम हाफ पार्ट कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा वन, क्या हो जाएगा टाइम जी. वन हो ये वो तो वन होल तो ये हो गया, ठीक है ना. वन बाय टू, ठीक है. वन बाय टू यानी एक पूरा होल है, उसको हमने हाफ कर दिया, या वन हाफ आप भी कह सकते हैं. थर्ड जो है उसमें देखें वन पूरा है ना, ठीक है. और उसके कितने पार्ट्स हुए हुए हैं, फोर. यानी वन पूरे के अगर हम फोर पार्ट्स कर देंगे तो ये हो जाएगा वन क्वार्टर या वन फोर्थ, ठीक है. वन क्वार्टर भी कह सकते हैं और वन फोर्थ भी कह सकते हैं. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये लिखा हुआ है व्हाट्स द टाइम. टाइम के बारे में आपको बताया गया है इट्स, ठीक है. और फोर जो है हमें यहाँ पे क्लॉक्स दिए गए हैं, लेकिन इससे पहले क्लॉक टाइम शुरू करने से पहले आपको टाइम को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है. तो पहले आपको हम आपको टाइम समझाते हैं, ठीक है. सो चिल्ड्रन यहाँ पर आई हैव अ क्लॉक टू शो यू द टाइम, ठीक है. सबसे पहले तो आप ये आपको पता ही आपके ये जो क्लॉक है इस पर मार्किंग होती है. मार्किंग कितनी होती है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ठीक है. ट्वेल्व मार्किंग हो गई. अब ये होते हैं हमारे आवर्स होते हैं, ठीक है. और आवर्स को कौन सी नीडल शो करती है, स्मॉल नीडल्स जी. ये जो स्मॉल नीडल है हमारी, ये हमारे आवर्स को शो करती है. यानी घंटा, जैसे हम कहते हैं बारह बज गए हैं, एक बज गए हैं, दो बज गए हैं, ठीक है. उसके बाद बारी आती है मिनट्स की, ठीक है. मिनट्स क्या होते हैं, जो हमारी मार्किंग के दरमियान में स्पेस होती है उनमें कितने मिनट्स होते हैं. जैसे 12 टू 1 इसमें 5 मिनट्स होते हैं, ठीक है. और मिनट्स को कौन सी नीडल शो करती है, बड़े वाली जो बिग नीडल होती है. अगर जैसे मैंने इसको 1 पर किया तो 5 मिनट्स आपके गुजर चुके हैं. अगर मैंने इसको 2 पर किया तो कितने मिनट्स गुजर गए, 5 एंड 5 10. अगर मैंने इसको 3 पर किया तो फिर 5 एंड 5 10 एंड 5 15. इसी तरह से जब ये पूरी जो मिनट, ये जो वाली नीडल वाली मिनट वाली जो है नीडल, ये कंप्लीट अपना चक्कर करती है, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, तो कितने मिनट्स गुजर जाते हैं, 60 मिनट्स, ठीक है. और एक 60 मिनट्स होता है वो 1 आवर होता है. यानी जब पूरे ये पूरा राउंड लेती है तो 60 मिनट्स अपने कंप्लीट कर लेती है और एक घंटा पूरा हो जाता है, ठीक है. अब जैसे फर्ज करें हमारे पास टाइम आ रहा है, ये छोटी जो आपकी नीडल है ये 12 है, ठीक है. और जो आपकी ये बड़ी वाली नीडल है ये 3 पर है, तो ये क्या टाइम हो गया, 12 15, ठीक है. इसी तरह ही है अगर ये दोनों नीडल्स जो हैं ये 12 पर हैं तो फिर आपका क्या टाइम होगा, फिर आपका ये 12 वो क्लॉक होगा, ठीक है. अगर ये वाली नीडल जो है स्मॉल नीडल 2 पर आ गई है फर्स्ट करें, ठीक है. और जो दूसरी जो बड़े वाली नीडल है, जो हमारी मिनट्स नीडल है, वो 3 पर आ गई है, तो फिर क्या टाइम होगा जी, हाँ जी, इसको हम कहेंगे अब क्वार्टर पास्ट 2, यानी कि 2:15 हुए हैं, या अगर आप इसको उर्दू में कहेंगे तो 2:15 हुए हैं. अब यहाँ पर जब ये 6 तक नीडल आती है, ठीक है, जैसे फर्ज करें ये यहाँ पर है, अब ये जैसे बिग नीडल जो है वो 6 पर आ चुकी है, और फर्स्ट करें स्मॉल नीडल जो हमारी 8 नीडल है उसको मैं 3 पर कर देती हूँ, तो ये क्या टाइम होगा, ये हमारा होगा 3:30, ठीक है. कि हमारा जैसे उर्दू में अगर मैं कहूँगी तो मैं कहूँगी 3:30. अब जैसे ये नीडल आगे आगे जाएगी, जैसे 30 से 35 मिनट्स हैं, ठीक है, फिर आप मुझे बताएंगे कि क्या टाइम होगा, 35 मिनट्स पे आ गई है, ठीक है. और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 3 पर थोड़ा सा आगे चली गई है, ठीक है. अब फिर ये थोड़ा सा आगे गई है, ये भी थोड़ा सा आगे आएगी, इस तरह से जब ये आगे आगे जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप टाइम को कैसे बताएंगे,
फिर आप बता देंगे, जैसे अगर मैं आपको ये 2 पे कर देती हूँ और इसको मैं यहाँ पे 30 के बाद 35 मिनट्स, 40, 45 मिनट्स, तो हम क्या बता देंगे, क्या टाइम हुआ? यस, क्वार्टर टू टू के 2:15 हैं, या उर्दू में आप इसको ऐसे कह सकते हैं 2:45 हुए हैं, ठीक है ना। तो अब इस तरह यहाँ पर जब आ जाएगा तो आपका पास्ट यूज होगा, जैसे क्वार्टर, अ क्वार्टर पास्ट टू, अ क्वार्टर पास्ट थ्री, हाफ पास्ट टू, हाफ पास्ट थ्री। लेकिन जब हम इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे, जब ये नीडल आगे चली जाएगी, जैसे फर्ज करें ये नीडल यहाँ पे है, ठीक है, और ये यहाँ पे है, थोड़ा सा ऊपर है, तो हम इसको कह देंगे कितने मिनट्स रह देंगे, 5, 10, 20 और 25, 10, 15 के बाद 20 मिनट्स, 20 के बाद 25, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा कि कितने बजने में, कि 2 बजने में कितने मिनट्स हैं, 5, 10, 15, 20 मिनट्स हैं, ठीक है। तो हम कह देंगे 25 मिनट्स टू 2 के 2 बजने में 25 मिनट्स हैं। जैसे अगर आप, मैं आपकी बुक पर देखूँ, अब आप अपनी बुक पर आ जाएं, तो पहली जो क्लॉक पर इन्होंने टाइम दिया हुआ है वो 2:00 है। तो ये सिंपल आपका क्या आ जाएगा कि आपकी जो नीडल्स हैं, जो ये वाली आर वाली है, वो आ जाएगी 2 पर, ठीक है, और जो आपकी जो मिनट नीडल है ये आ जाएगी 12 पर। तो ये आपका टाइम क्या हो जाएगा, 2:00। ओके, नेक्स्ट नीडल आपकी आ रही है हाफ पास्ट टू। इसमें क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ये जो आपकी और नीडल है ये 2 पर ही रहेगी, और जो आपकी मिनट नीडल है वो आपकी आ जाएगी 6 पर, 60 यानी 2:30 और हाफ पास्ट टू। उसके बाद है अब क्वार्टर पास्ट टू मतलब 2:15, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। उसके बाद है अब क्वार्टर टू टू, इसको भी वही तरीका है कि 2 बजने में कितने मिनट हैं, 5, 10, 15 मिनट्स हैं, ठीक है। इसको मैंने आज आपको टाइम को एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में, जो आगे क्लॉक्स दिए गए हैं नेक्स्ट पेज पर, उनको हम टाइम को मैं आपको बताऊंगी, बल्कि जो ये वाले जो क्लॉक मैंने आपको टाइम समझाया है, इसको आपने अच्छी तरह अपने माइंड में कर लेना है जी बेटा। इसके साथ, क्योंकि अभी आपको मैंने क्लॉक का कॉन्सेप्ट समझाया, तो मेरे ख्याल है अभी हम इन क्लॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ राइट द करेक्ट टाइम, तो पहले क्लॉक में अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी आपकी आर नीडल जो है 4 है और 5 के दरमियान में है, और जो मिनट नीडल है ये 6 पर है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब है कि हाफ, ठीक है, हमें पता चल गया है कि जो हमारी मिनट नीडल है वो 6 पर है, तो इसका मतलब है हाफ पास्ट। तो आगे हमारा क्या है, किस पर है ये, जी 4 से थोड़ा सा आगे जा रही है ना, तो इसका मतलब हाफ पास्ट फोर। इस तरह अब सेकेंड नीडल, ये मैं आपको बता देती हूँ, जो क्लॉक आ रहा है, ठीक है, इसमें आप देखें कि जो मिनट नीडल है वो 9 पर है और जो आवर नीडल है वो 7 पर है, और अब ये पास्ट में नहीं है, ये इस तरफ आ गया, यानी कि टाइम होने वाला है, यहाँ पर हो गया हुआ था, यहाँ पर होने वाला है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया हाफ पास्ट फोर, 4:30 हो गए थे, लेकिन यहाँ पर ये 7 पर है, और ये इसका ये मतलब है कि ये अभी टाइम कितना होने वाला है, 7 बजने वाले हैं, और 7 बजने में कितने मिनट हैं, 5, 10, 15, यानी यहाँ पर क्या यूज होगा, क्वार्टर, और यहाँ पर क्या यूज होगा, पास्ट जी। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे आप क्वार्टर टू सेवन यानी कि 7 बजने में कितने मिनट्स हैं, 15 मिनट, ठीक है, अब क्वार्टर टू सेवन जी बच्चों। तो अब आपने इसी तरह ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने बाकी के क्लॉक्स